मैं आपकी सुखराज आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से अपनी नई वीडियो आपके लिए। काफी टाइम बाद मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हम लोग पीच कलर के दुपट्टे के ऊपर फ्लॉक पेंटिंग गोल्डन कलर से, और प्लस मैं इसके साथ फ्री हैंड गुलाब के फ्लावर्स डाल रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी जो पिछली वीडियोज बहुत सारे आपने प्यार दिया, इस वीडियोज को भी आप बहुत सारा प्यार दोगे। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके साथ फ्री हैंड पेंटिंग, और उसके साथ मैं इसके साथ कॉम्बिनेशन किया है गोल्डन के साथ ब्लॉक पेंटिंग का। तो स्टार्ट करते हैं। ये दुपट्टा मैंने आपके लिए एक बार रेडी कर लिया, क्योंकि पहली वीडियोस में मैंने आपको फ्री हैंड फ्लावर्स बनाने सिखाए हैं, तो आज मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊँगी और साथ में इसकी जो बाकी का पेंटिंग काम है वो आपके साथ करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें, मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने इसमें जो है डायगोनल ब्रश यूज़ किया है। ये मेरे पास डायगोनल ब्रश है, फ्लैट ब्रश नहीं, डायगोनल ब्रश बोलते हैं इसको। एक तरफ से कम होता है, एक तरफ से ज़्यादा होता है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, डायगोनल ब्रश होता है। तो इससे क्या है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है फ्री हैंड फ्लावर में। हमने इसका 12 नंबर लिया। आप लोग पूछोगे कितना नंबर है, तो फाइन ब्रश है मेरे पास, 12 नंबर का ब्रश है, तो डायगोनल ब्रश है। इसमें मैंने मेरा क्योंकि कलर बेस दुपट्टा ऑलरेडी डार्क था, तो मैंने मिक्स कलरिंग करके इसमें मैंने लेमन येलो, वाइट कलर प्लस ब्राउन कलर लिया। तो जो लीफ है उसमें मैंने सैफ ग्रीन कलर, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मैंने सैफ ग्रीन कलर लिया लीफ के लिए, पत्तियों के लिए। और इसमें मैंने जो फ्लावर्स बनाए उसमें मैंने गोल्डन येलो लिया है, और साथ में पिंक कलर शेड लिया है एंड वाइट कलर। तो इसमें मैंने फ्री एंड ग्रीन कलर के सैफ ग्रीन कलर की पत्तियाँ डाली हैं, साथ में मैंने येलो कलर यूज़ किया है और साथ में वाइट कलर यूज़ किया। तो वाइट के साथ क्योंकि ये कलर हमारे दुपट्टे का जो है ना ऑलरेडी डार्क कलर है, पीच कलर है, तो वाइट के साथ हम लोग इसकी आउटलाइन देंगे फ्लावर्स की और लीव्स की। वाइट 000 राउंड ब्रश हमारे पास है, तो जैसे मैं आपको ये बनाना सिखा रही हूँ साथ के साथ आप एक काम कीजिए कि मेरा चैनल जो है, अब न्यू चैनल है ये मेरा आर्ट बाय सुखराज, आपने सर्च कर लेना आर्ट बाय सुखराज और प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना। इसमें मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स और नई बताने वाली हूँ, ब्लॉक पेंटिंग के साथ साथ हैंड पेंटिंग, मार्बल पेंटिंग, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम लोग आगे शुरू करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी मैं ऐसे काम बनाने जा रही हूँ वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये आप सबको पता ही होगा कि मैंने पहले ये वीडियो बनाना छोड़ दिया था, तो अब मैंने दोबारा शुरू किया है क्योंकि आप सबका प्यार मेरे को दोबारा इस यूट्यूब पे लेके आया, आप सबने मेरे को दोबारा इनवाइट किया है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि आप दोबारा अपनी नई टेक्निक से साथ हमारे साथ आएँ जुड़ें। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो भी मेरी ये वीडियो देखोगे लाइक करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत सारी इजी टेक्निक यहाँ पे हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस फ्लावर की थोड़ा सी मैं आपको बता दूं कि हम लोग बेस में सेंटर में इसको थोड़ी सी डीपनेस देने के लिए इसमें मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया है, और साइड पे येलो और पिंक, ठीक है। तो हल्का सा अब इसको हाईलाइट करने के लिए, जैसे हम लोग ऑलरेडी करते हैं ब्लैक कलर के साथ, इसको थोड़ा सा आउटलाइनिंग पहले मैंने वाइट के साथ दिए, जो फाइनल टच देने के लिए ब्लैक कलर के साथ दूंगी। और मैंने आपको जैसे मैं बताती रहती हूँ कि आपने भी डायरेक्ट कलर ब्लैक नहीं यूज़ करना है, उसके साथ कोई ना कोई ब्राउन कलर, ब्राउन शेड या कोई एक्स्ट्रा कोई भी शेड मिक्स कर लेनी है आपने, जेड ब्लैक नहीं यूज़ करते। ऐसे मैं जैसे व्हाइट के डॉट्स डालें ऐसे ब्लैक के भी डालूंगी।
आपने इसको रनिंग में लगाना है, इसको स्टॉक्स लगाने हैं जस्ट, पूरा प्रॉपर आउटलाइनिंग नहीं हम देते इसको, हल्का हल्का लाइट लाइट। डॉट्स लगाते हुए तो ये देखिए ऐसे हल्का हल्का सा हमने इसको हाईलाइट कर दिया। ये आपने जब फ्लावर्स बना लेने हैं ना तो उसके बाद करने हैं इसको ब्लैक के साथ आउटलाइनिंग। इससे क्या होता है कि फाइनल टच जो होता है, लास्ट जो हम लोग इसको फाइनल टच देते हैं तो ब्लैक के साथ ही देते हैं। अब आप जितनी भी हमारी वीडियोस देखेंगे तो आर्ट बाय सुखराज में देखेंगे। मैं अभी अपने चैनल में अपनी सारी वीडियोस डालूंगी, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें और अपने सुझाव हमें दें कि हमसे आप क्या क्या और सीखना चाहते हो। बहुत सारी इजी टेक्निक्स हैं जो हम लोग आपको सिखाएंगे फैब्रिक में। तो व्यूअर्स, आप सबके सामने जैसे मैंने ये दुपट्टा बनाया और बहुत सुंदर बनाया, ऑलरेडी मैं इसमें काम को जैसे कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी और फ्रेंड्स भी और बहुत सारी जो व्यूअर्स हैं, जो आर्ट लवर हैं, जो अपना काम खुद करना चाहते हैं हमसे सीख के, तो इसीलिए मैं दोबारा आपके पास ऐसे कहना चाहती हूँ कि आई हूँ और दोबारा अपना चैनल शुरू किया है मैंने। और इस चैनल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ नेचर लवर, जो मैं कुदरत के साथ कुदरत को देखती हूँ वो भी मैं आपको शो करूँगी, और कैसे कैसे हम जो नेचर के साथ जुड़े हैं, नेचर में जितनी तरह के फ्लावर्स हैं वो हम सब ट्राई करेंगे, बनाएंगे और इन फ्यूचर में इंटीरियर के साथ भी जुड़ेंगे। हम लोग फ्लावर पॉट बनाएंगे, बहुत सारे हम लोग प्लानिंग लेके आ रहे हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द आर्ट बाय सुखराज। तो इस पे आप लोगों को फैब्रिक मेंडिंग की बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स देखने को मिलने वाली हैं, और साथ ही में हम लोग जो दुपट्टे की अलग अलग कलेक्शन तैयार करेंगे, साड़ीज़ की कलेक्शन तैयार करेंगे, वो सब आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ द आर्ट ऑफ सुखराज। थैंक यू सो मच।